राजनांदगांव शहर के मोतीपुर वार्ड में 23 अगस्त 1971 को श्री दुर्गा प्रसाद यादव और श्रीमती ठगियाबाई यादव के घर मधुसूदन ने जन्म लिया। उनकी प्रारंभिक शिक्षा मोतीपुर स्कूल में पूरी हुई। उन्होंने अपनी उच्च शिक्षा स्टेट हाई स्कूल में ग्रहण की। मधुसूदन की प्रतिभा का उनके स्कूली दौर से ही हर कोई कायल रहा। हमेशा लोगों के हित चाहने वाले मधुसूदन अपने नाम के अनुरूप ही नजर आते थे। मधुसूदन यादव के पिता डेयरी और कृषि कार्य किया करते थे। मधुसूदन भी डेयरी व्यवसाय में अपने पिता की मदद करने लगे। स्कूली दौर में साइकिल से दूध पहुंचाने के बाद कुछ दूध बच जाता तो वे अपने मित्रों के लिए स्कूल भी दूध ले जाया करते थे। मैं 1985-86 में एक स्टार्ट हुआ, 9th क्लास में स्टेट हाई स्कूल में मैंने प्रवेश लिया। मधुसूदन यादव जी बहुत अच्छे मित्र रहे उस जमाने में। दोस्ती से भी बढ़कर लगा और दोस्ती से बढ़कर संबंध हम दोनों का हुआ। हम दोनों ने लगभग 2 साल स्टेट हाई स्कूल में गुजारा साथ में, और उस 2 सालों में मुझे कभी याद नहीं है कि कभी भी मधु भाई ने किसी को गाली गलौज किया होगा। उस ज़माने में भी, ये केवल आज इसलिए नहीं कि आज वो पूर्व सांसद हो गए या महापौर हैं, पर उस ज़माने में भी बहुत काफ़ी सुलझे हुए रहते थे वो। उस ज़माने में टिफ़िन का चलन नहीं होता था, लेकिन फिर भी मैं अपने घर में कभी कभार रोटी बनती थी तो गुड़ के साथ लेके जाता था, जो मेरे स्तर के हिसाब से। तो वही स्तर और वही गरीबी और वही तकलीफ भाई के पास भी थी, वो भी स्तर उनका उसी तरीके का था। तो वो हम दोनों मिल बांट के खाते थे, और ना केवल मैं ही लाता था बल्कि वो भी कच्चा दूध। कभी कभी तो दूध बेचते बेचते भी वो स्कूल आते थे तो डिब्बे में दूध बचा कर रखते थे, और वो दूध फिर हम दोनों लोग मजे से पीते थे। दिलेरी के मामले में भी मधु से बेहतर कोई नहीं था, क्योंकि उनको अखाड़े का बहुत शौक था। तो थोड़ी सी वो अखाड़े वखाड़े लाइन में जुड़े हुए थे, और मैं नहीं था पहलवानी की लाइन में, लेकिन वो अखाड़े की लाइन में जुड़े हुए थे। तो जैसे मुझे किसी के साथ लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया, या कुछ मारपीट या ऐसे कुछ हल्का उस जमाने में बचपने में हो जाता था, तो वो सबसे सामने अगर मेरे लिए कोई लड़ाई के लिए खड़े होता था तो वो मधुसूदन यादव जी थे। बस मैं भाई को यही बोलूँगा कि भाई आपकी ये जो भावना है गरीबों के प्रति, छोटों के प्रति और वंचित वर्गों के प्रति, आप रियल में हीरो हैं, रियल हीरो हैं। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं भाई। जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं मधु भाई आपको। मधुसूदन यादव स्कूली दौर में काफी शांत और सरल थे। लोगों की तकलीफों में उनकी मदद करने के लिए वे अक्सर अग्रणी रहते थे। कभी किसी के साथ बैर नहीं करने का आदर्श लेकर मधुसूदन आगे बढ़ते रहे। स्कूल में उनके शिक्षक भी उनके व्यवहार से काफ़ी प्रसन्न रहते थे। स्टेट हाई स्कूल से छोड़े हुए मुझे करीब 14-15 साल हो गए। मधुसूदन यादव अपने स्टेट स्कूल में विद्यार्थी थे और मेरी क्लास में थे। शांत नेचर के थे, प्रकृति उनकी बड़ी शांत थी। किसी भी पीरियड में किसी भी टीचर ने कभी उनकी शिकायत नहीं की थी। सार्वजनिक जीवन में वो ऐसे व्यक्ति हैं जिनके लिए कहा जाता है कि अजात शत्रु हैं, कोई उनका शत्रु हो ही नहीं सकता। ये आज एक विचित्र संयोग और सुखद संयोग है कि प्रदेश की मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह और हमारे राजनांदगांव के महापौर मधुसूदन भैया, ये दोनों अजात शत्रु हैं। उनके कड़ा से कड़ा विरोधी भी उनके व्यवहार से कायल हो जाता है। दिल जीतने में दोनों का कोई जवाब नहीं है। वो अपनी बात इतनी शांत ढंग से सामने वाले के सामने रखते हैं, सामने वाला उनका विरोध नहीं कर पाता। कि आज नगर में जगह जगह विकास के कार्य हो रहे हैं, लोगों को जो ज़रूरतमंद है उनको अनाज मिल रहा है, उनको आवास मिल रहा है। जो नगर निगम कभी पैसे पैसे के लिए मोहताज होता था, आज आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ गया है। इसका पूरा श्रेय मधुसूदन भैया को है। स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद उनका रुझान लोगों का प्रतिनिधित्व करने की ओर अग्रसित हुआ, और मधुसूदन यादव ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत वर्ष 1979 में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में की। वर्ष 1991 में युवा मोर्चा के पदाधिकारी चुने गए। वर्ष 1991 से वर्ष 2004 के बीच संगठन ने उन्हें युवा मोर्चा से शहर महामंत्री, शहर अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी।
वर्ष 1994 में पहली बार मधुसूदन यादव वार्ड क्रमांक 5 से पार्षद के रूप में निर्वाचित हुए। इसके बाद वे 15 वर्षों तक वार्ड क्रमांक 5, 15 और वार्ड क्रमांक 16 से पार्षद रहे। वर्ष 2000 में वार्ड क्रमांक 15 से पार्षद रहते हुए वे नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष चुने गए। उनकी कार्यशैली को देखते हुए प्रदेश सरकार ने उन्हें फरवरी 2003 से 2004 तक महापौर मनोनीत किया। वर्ष 2004 में ही मधुसूदन यादव नगर निगम के अध्यक्ष चुने गए। मधुसूदन यादव की कर्मठता को देखते हुए वर्ष 2005 में भाजपा संगठन ने उन्हें जिला भाजपा महामंत्री और फिर अहम जिम्मेदारी सौंपते हुए उन्हें जिला भाजपा अध्यक्ष बनाया। वर्ष 2009 में मधुसूदन सांसद सदस्य निर्वाचित हुए और वर्ष 2015 से अब तक महापौर पद की गरिमा को बखूबी निर्वहन कर रहे हैं। वर्षों राजनीति के अहम पदों पर रहने के बाद भी मधुसूदन यादव का परिवार आज भी सरलता और सादगी भरोसा करता है। महापौर मधुसूदन राजनीतिक जीवन में जितना सक्रिय हैं उतने वे पारिवारिक रूप से संवेदनशील हैं। जनता और परिवार के बीच बेहतर तालमेल के अद्भुत उदाहरण हैं मधुसूदन। उनके परिवार को जब भी उनकी ज़रूरत होती है तब वे अपने साथ होते हैं। एक अच्छे पति, एक आदर्श पिता, एक संवेदनशील भाई के रूप में मधुसूदन परिवार की बागडोर संभाले हुए हैं। महापौर मधुसूदन यादव की पत्नी करुणा यादव भी जनता और परिवार के बीच उनकी इस दोहरी जिम्मेदारी में उनका भरपूर साथ दे रही है। जब मैं शादी हो गया यहाँ तो पार्षद मतलब मैं जहाँ देखी थी पार्षद, तो वहाँ पार्षद लोगों का काम वाम देखती थी तो मैं बोली पार्षद हैं। यहाँ आके देखी तो पार्षद हैं लेकिन फिर भी घर में इतनी भीड़, जितनी भीड़ अभी रहती है लगभग उस समय भी उतनी भीड़ रहती थी। और 15 साल से मैं वही चीज़ देखते आ रही हूँ। और लोगों का मतलब इनके लिए इतना प्यार, और इनके साथ जाओ जब कहीं भी, तो घर में हो तो आपको पता नहीं चलता लेकिन बाहर अगर निकल रहे हो तो कभी कभी तो मतलब दूसरे लोग इतना मानते हैं, इतना मतलब उनको चाहते हैं, आंसू रोके नहीं रुकता। मेरे जब दोनों बच्चे आए उस समय, हालांकि बड़ा वाला जब आया उस समय महापौर बन चुके थे, फिर भी जब भी ज़रूरत पड़ता था बराबर साथ रहते थे। बच्चे को अगर तबीयत ख़राब है या कुछ कारण है तो कितना भी बिजी रहते बराबर साथ देते। उसको हॉस्पिटल ले जाना है या और कुछ है उसको भी करेंगे। और हर एनुअल डे पे दोनों बच्चों के कितना भी दूर कहीं भी जा रहेंगे बराबर आएंगे, अटेंड करेंगे। बर्थडे में बच्चों के, वेडिंग एनिवर्सरी है उस समय भी बिल्कुल साथ देंगे। बाकी समय नहीं हो पाता है क्योंकि बिजी रहते हैं हर समय। तो वो अगर तबीयत भी ख़राब है उनकी तो भी घर में रेस्ट नहीं करते हैं। वो बोलते हैं अगर मैं घर में रहूँगा तो मेरा तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। अगर कितना भी फीवर है या कुछ भी है वो बराबर जाएंगे। जहाँ कार्यक्रम है नहीं वहाँ जाना ज़रूरी है। तो वहाँ पर थोड़ा सा लगता है कि अपने हेल्थ को भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। कभी कभी लगता है जैसे बाकी फैमिली को देखो तो हाँ, फैमिली के साथ कहीं जा रहे हैं, सब बच्चों के साथ समय बिता रहे हैं, तो वो चीज़ नहीं हो पाता है। वहाँ पर थोड़ा सा फील होती है, फिर लगता है कि नहीं काम तो कर रहे हैं। ब्रेक के बाद देखिए जनता के प्रति महापौर मधुसूदन यादव का समर्पण और जनता का प्यार।
लोकसभा सदस्य चुने जाने के बाद मधुसूदन यादव की ख्याति राजनांदगांव और कवर्धा जिले में होने लगी। लोगों के दुख सुख के मधुसूदन भागीदारी होने लगे। प्रदेश में शिक्षा कर्मियों का आंदोलन हो या स्थानीय कर्मचारियों की हड़ताल, बातचीत से समाधान निकालने में भरोसा रखने वाले मधुसूदन अपने नाम के अनुरूप सभी को सही राह दिखाते चले गए। आज भी जिले भर के लोग महापौर मधुसूदन यादव के पास अपनी समस्याएं लेकर पहुंचते हैं। लोगों के प्यार और दुलार ने मोतीपुर के इस बेटे को अपने दिल के वृंदावन में मधुसूदन की तरह ही बसा लिया और मधुसूदन मधु भैया हो गए। हमारे नगर के महापौर जी जो हैं आदरणीय बड़े भैया, जो हर किसी का समस्या बड़े आराम से और समाधान करके निकालते हैं, उनके पास कोई भी आज तक जो भी हमारे साथ गया है या मैं भी गया हूँ तो कभी खाली हाथ नहीं आया हूँ। और उनके जन्मदिन पर माँ शीतला का आशीर्वाद के साथ नगर का भी आशीर्वाद माननीय महापौर जी को आशीर्वाद देते हुए मैं उनसे दीर्घायु होने का कामना करता हूँ। मधुसूदन महापौर के पास जाते हैं तो हमारे जो भी समस्या लेके गए हैं तो हमारा आज तक काम हुआ है और उनका काम सराहनीय है। उनको जन्मदिन की बहुत बहुत हार्दिक बधाई। राजनीति के गलियारों में मधुसूदन यादव महज एक नाम नहीं है बल्कि एक ऐसी शख्सियत है जिसका हर कोई गुणगान कर रहा है। आज मधुसूदन जनता के बीच नेता बनकर नहीं उनका प्रतिनिधि बनकर मौजूद हैं। अपनी तमाम व्यस्तताओं के बीच भी वे अक्सर लोगों के लिए भरपूर वक्त निकालते हैं। वे रोजाना सैकड़ों लोगों से मिलते हैं, उनके दफ्तर से लेकर उनके घर तक लोग अपनी समस्याएं लेकर इस उम्मीद में पहुंचते हैं कि मधुसूदन के पास उनकी समस्याओं का हल जरूर होगा। हम लोगों का जीवन ही सार्वजनिक है और मुझे लगता है कि जो लोग हमारे लिए समय समय पर अपना सब कुछ समर्पण करते हैं उनके लिए भी समय निकालना आवश्यक होता है। और मैं इस मायने में व्यक्तिगत तौर पर जन्मदिन न मना करके जो लोग मेरे जन्मदिन को सेलिब्रेट करते हैं उनके साथ मनाना पसंद करता हूँ। काम करने का अवसर तो भाग्यशाली लोगों को मिलता है, इसलिए मैं मानता हूँ कि ये मेरा भाग्य है कि लोग किसी भी समय मुझे भी अपनी तकलीफ या समस्या बताते हैं और मैं उसे ठीक करने की कोशिश करता हूँ। जिले की जनता को उनसे मिलने में किसी तरह की बाधा ना हो इसलिए मधुसूदन कई बार पैदल ही घर से नगर निगम की ओर चल पड़ते हैं। वे रास्ते में लोगों से रूबरू होकर उनकी कुशल क्षेम पूछते रहते हैं। मधुसूदन यादव के जन दर्शन में उमड़ने वाली भीड़ उनके और जनता के बीच आत्मीय मधुरता के मिठास का एक परिचायक है।